वेलकम टू my चैनल यू आर watching इंग्लिश स्टडी हे everyone, इट्स मी श्वेता फ्रॉम इंग्लिश स्टडी और आज हम सीखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आज हम सीखेंगे कि हम इफ का राइट right यूज कैसे कर सकते हैं ओके okay? तो so अगर आप ये सीखना चाहते हैं स्टे विद मी इफ क्लॉज तो आज हम इफ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इफ़ कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं जैसे इफ़ यू हरी अप वी कैन कैच द ट्रेन यदि आप जल्दी करते हैं तो हम ट्रेन पकड़ सकते हैं अब ये जो सेंटेंस है ये दो भागों से मिलकर बना है इफ़ यू हरी अप जिसको कहते हैं हम इफ क्लॉज एंड वी कैन कैच द ट्रेन जो है मैन क्लास इफ़ क्लॉज और मैन क्लास को हमने नाम भी दिए हुए हैं ए और बी अगर आप गौर करेंगे तो जो ए है पार्ट इफ क्लॉज उसमें एक शर्त का वर्णन है एक कंडीशन दी हुई है इफ़ यू हरी अप यदि आप जल्दी करते हैं ठीक है तो इफ़ क्लॉज में हमें कंडीशन दी हुई है इसीलिए हम इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा जितने भी हमारे इफ़ क्लॉज के सेंटेंस होते हैं जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है उसमें एक कंडीशन दी हुई होती है ये अब अभी और एग्जाम्पल्स में देखेंगे और जो मेन क्लॉज होता है उसका अलग टेंस होता है ओके okay? जैसे हमारा इफ़ क्लॉज वाला टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का यू हरी अप लेकिन जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें हमने कैन का यूज़ किया है ठीक है तो इस तरह टेंस अलग अलग होते हैं चलिए सीखते हैं हमारे इफ़ क्लॉज की कुछ महत्वपूर्ण बातें नंबर वन कंडीशनल क्लॉज कैन बी यूज ऐट द बिगनिंग इन द मिडल एट द एंड जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है इफ़ क्लॉज उसका यूज़ हम सेंटेंस में कहीं पर भी कर सकते हैं ऐट द बिगनिंग शुरुआत में कर सकते हैं इन द मिडल सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं ऐट द एंड और सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं ओके okay? जैसे इफ़ यू लाइक यू मे पार्टिसिपेट इन द गेम यदि आप चाहें तो आप खेल में भाग ले सकते हैं यू इफ़ यू लाइक मे पार्टिसिपेट इन द गेम आप यदि आप चाहें तो खेल में भाग ले सकते हैं यू मे पार्टिसिपेट इन द गेम इफ़ यू लाइक यदि आप चाहें तो आप खेल में भाग ले सकते हैं अब देखिए हमारा नंबर वन सेंटेंस यहाँ पर हमने जो इफ़ क्लॉज है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिगनिंग में लगाया है इफ़ यू लाइक यदि आप चाहें और इफ़ क्लॉज के बाद हमने लगाया है मेन क्लॉज को जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में सेंटेंस वही है वर्ड्स वही हैं लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया है हमने इफ़ क्लॉज को सेंटेंस के बीच में लगाया है सबसे पहले हमने मेन क्लॉज का सब्जेक्ट यू लगाया है उसके बाद हमने इफ क्लॉज लगाया और फिर बाकी का सेंटेंस आप भी अगर ऐसा चाहें तो कर सकते हैं सबसे पहले आप मैन क्लॉज का सब्जेक्ट लिखिए उसके बाद इफ क्लॉज और फिर इफ़ क्लॉज के बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो लिखिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इफ क्लॉज के आप बाद लिख सकते हैं अर्थ में कोई चेंज नहीं होता जैसे आप देख सकते हैं आप यदि आप चाहें तो खेल में भाग ले सकते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन अर्थ वही है यू मे पार्टिसिपेट इन द गेम इफ यू लाइक यदि आप चाहें तो आप खेल में भाग ले सकते हैं ओके okay, यहाँ पर हमने इफ़ क्लॉज को सेंटेंस के एंड में रखा है अगेन इफ क्लॉज को एंड में रखने से भी सेंटेंस का जो अर्थ है वो चेंज नहीं हुआ है हमने एक ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर बदल के देखे इफ क्लॉज को स्टार्टिंग में रखा बीच में रखा एंड में रखा लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ ओके okay? तो ये सबसे नंबर वन टिप है कि आप इस क्लॉज को सेंटेंस में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं नंबर टू इन इफ क्लॉज दे आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस रियल कंडीशन एंड अनरियल कंडीशन इस क्लॉज में हमारे पास दो टाइप की कंडीशन होती हैं एक रियल कंडीशन एक अनरियल कंडीशन रियल कंडीशन होती हैं वो होती हैं सच ओके वो कंडीशन जो हुई हो पास्ट में हुई हो या फिर आने वाले फ्यूचर में उनके होने के चांसेस हों ये होती है हमारी रियल कंडीशन अब बात करते हैं हम अनरियल कंडीशन की तो अनरियल कंडीशन सच नहीं होती पास्ट में उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता लेकिन हम अन रियल कंडीशन का यूज़ करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इमेजिनरी सिचुएशन में जब हम कोई कल्पना कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना कर रहे होते हैं जो पास्ट में हुई नहीं है लेकिन अगर हुई होती तो क्या होता जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता ठीक है जब हम कल्पना कर रहे होते हैं तब हम अनरियल कंडीशन का यूज़ करते हैं कभी कभी हम अनरियल कंडीशन का यूज़ करते हैं भविष्य के बारे में बात करने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिसका भविष्य में होना ना के बराबर है जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है उनके बारे में बात करने के लिए हम अनरियल कंडीशन का यूज़ करते हैं सबसे पहले पढ़ते हम रियल कंडीशंस को रियल कंडीशन में हम टेंस दूसरे वाक्यों के हिसाब से प्रयोग करते हैं जैसे जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं इफ क्लॉज में ओके अगर हम भूतकाल के बारे में बात करें तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं लेकिन जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं विल का नहीं शैल का नहीं ओके तो आप बस इतना याद रखिए अगर मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे इफ़ क्लॉज में भी अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो इफ़ क्लॉज में भी पास्ट रहेगा अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर है तो इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट रखेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है फ्यूचर वाला बाकी इजी है पूरा कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लीव नाउ यू विल बी होम इन आवर्स यदि आप अब निकलते हैं तो दो घंटे में घर पहुंच जाएंगे इफ़ इट रेंस आई ब्रिंग एन अम्बरेला अगर बारिश होती है तो मैं एक छाता लाता हूँ आई गिव यू लिफ्ट इफ़ इट रेंस अगर बारिश होती है तो मैं आपको लिफ्ट दूंगा ओके okay? ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब रियल कंडीशन के यहाँ फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल को देखिए ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम इसमें इफ क्लॉज का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे विलय शेल का नहीं जैसे इफ़ यू लीव नाउ यू विल बी होम इन आवर्स यदि अब आप निकलते हैं तो दो घंटे में घर पहुंच जाएंगे ठीक है यू विल बी होम इन आवर्स फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें लेकिन हमने यहाँ पर जो कंडीशनल क्लॉज लगाया है इफ़ क्लॉज वो प्रेजेंट का है ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में आई गिव यू लिफ्ट मैं आपको लिफ्ट दूंगा इफ़ इट ड्रेंस अगर बारिश होती है तो ओके okay? तो हमने आई एल गिव यू लिफ्ट के साथ मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर है तो हम इफ़ क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाएंगे हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इफ़ इट रेंस आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला अगर बारिश होती है तो मैं एक छाता लाता हूँ रियल कंडीशन है और हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात करें आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला मैं एक छाता लाता हूँ तो हमने इफ़ क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है अब बारी आती है अनरियल कंडीशन की अनरियल कंडीशन में प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम इफ क्लॉज में पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं ओके पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट भी हो सकता है जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वॉज भी हो सकता है या फिर हैड का भी यूज़ कर सकते हैं और मेन क्लॉज में हम वुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनेटिव कौन से होते हैं वो इन्फिनेटिव जहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टू के बिना यूज़ की जाती है ठीक है जहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं करते हैं चलिए अब देखते हैं अनरियल कंडीशन के कुछ एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट वी हैव इफ़ माई ग्रैंड फादर वॉज स्टिल अलाइव ही वुड बी अंड्रेड टुडे। अगर मेरे दादाजी अब भी जिंदा होते तो सौ साल के होते आई वुड ऑफ़र टू गिव यू अ लिफ्ट इफ़ आई हैड माई कार अगर मेरे पास यहाँ मेरी कार होती तो मैं आपको लिफ्ट देने की पेशकश करता तो ये दोनों सेंटेंसेस अनरियल कंडीशन का एक आभास करा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में हमने कहा है अगर मेरे दादाजी अब जिंदा होते ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ठीक है तो एक तो बात ये कि अनरियल कंडीशन है अब बात करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तो इफ़ क्लॉज में हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है वॉज ओके पास पास टेंस है ये इफ़ माई ग्रैंड फादर वॉज स्टिल अलाइव और जो मेन क्लोज है उसमें हमने वुड का यूज़ किया है सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड ऑफ़र टू गिव यू लिफ्ट इफ़ आई हैड माई कार हेयर यहाँ पर भी आपके पास आपकी कार नहीं है ये भी एक अनरियल कंडीशन है और ना ही अभी आपके पास हो सकती है इस वक्त हमने इफ़ क्लॉज में पास टेंस का यूज़ किया है हैड का ओके okay? और जो मेन क्लॉज है उसमें हमने वुड का यूज़ किया है तो ये तो है अनरियल कंडीशन का सेंटेंस स्ट्रक्चर ओके ध्यान दें कभी कभी जब हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं अभी अभी हमने क्या पढ़ा है ऐसी सिचुएशन जो सच नहीं है जो सच नहीं हो सकती लेकिन अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो पहले हो सकती थी लेकिन हुई नहीं तो ऐसी सिचुएशन में हम इफ़ क्लॉज में इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज में हम वुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं ओके okay? जैसे इफ़ आई हैड नॉन हाउ डिफिकल्ट जॉब वॉज आई वुडेंट हैव टेकन इट अगर मुझे पता होता कि काम कितना मुश्किल है तो मैं इसे नहीं ले जाता इफ शी हैड नॉट बीन इल She would have gone to the concert. अगर वह बीमार नहीं होती तो वह कॉन्सर्ट में चली जाती If I had information, I would have told it. यदि मेरे पास जानकारी होती तो मैंने ये बताई ही होती First thing, इन तीनों टेंसेज में ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं और आप आप इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए कि इफ़ क्लॉज में हमने इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया यानी हेड वाले सेंटेंसेस का यूज़ किया है और मेन क्लॉज में हमने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है ओके okay? तो इस तरह आप बनाएंगे अनरियल कंडीशन के इफ़ क्लॉज जब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं एक बात और अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस में हम मेन क्लॉज में पास सिंपल या पास परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं ओके okay, या तो हम वुड प्लस बियर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं फिर वुड प्लस हैव प्लस वर्व की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेन क्लॉज में हम पास सिंपल या पास परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते Well this is the end of the video if you liked then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this